सो वेलकम बैक टू आवर टीचर आर्यन अकेडमी। कल हम लोगों ने टेस्ट वीकेंड टेस्ट ली थी और आज हम फिर से हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं पर्पस। तो आज हमारा नाउन का लास्ट टॉपिक है, वो है नाउन इन केस। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है नाउन का, तो उसका नाम क्या है, नाउन इन केस। तो देखो, अगर हम ये दो सेंटेंस को एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है वो हम देखेंगे। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जॉन थ्रीव अ स्टोन, जॉन ने पत्थर फेंका। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, द हॉर्स किक्ड बॉय, हॉर्स ने एक लड़के को लात मारी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। इसको इसने एक फेंका है स्टोन, जॉन ने, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, वैसे यहाँ पे भी फिर से वो रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे ही नाउन इन केस डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस, द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट, इट इज आंसर टू द क्वेश्चन, हु थ्रीव अ स्टोन, हु थ्रीव अ स्टोन, मतलब किसने पत्थर फेंका है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि जॉन ने पत्थर फेंका है, तो जॉन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रीव अ स्टोन इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ड थ्रीव। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले जब हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा तब हमने वर्ब पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया, बट इन द नाउन केस तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वर्ब के पहले कौन से शब्द आए हैं और वर्ब के बाद में कौन से शब्द आए। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम कौन करेगा, वर्ब करेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, व्हाट डिड जॉन थ्रो, जॉन ने क्या थ्रो किया है, तो क्या थ्रो किया है जॉन ने, पत्थर, स्टोन। क्या थ्रो किया है, स्टोन किया है। उसके बाद देखो क्या बोला है, स्टोन इज अ ऑब्जेक्ट, स्टोन इज अ ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्री, द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखा, वैसे ही सेंटेंस का एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम कौन सी एक्शन कर रहे हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे कि रामा पुट बॉटल ऑन द टेबल। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने दिया कि रामा ने क्या किया, टेबल पे बॉटल रख दी, तो हु पुट अ बॉटल ऑन टेबल, रामा, तो वहाँ पे किसने बॉटल रखी, रामा ने, तो रामा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और रामा ने क्या रखा, अगर वो क्वेश्चन पूछा हमने, व्हाट डिड रामा पुट, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, रामा ने बॉटल टेबल पे रखी, तो जो बॉटल है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, जब देखो क्या होता है, मतलब मालूम है, जब नाउन और प्रोनाउन, जब जैसे मैंने आपको बोला कि सेंटेंस में वर्ब के पहले जो शब्द आते हैं उस पे और वर्ब के बाद में जो शब्द आते हैं उसके ऊपर ये केस डिपेंड है, नाउन इन केस डिपेंड है। तो देखो क्या बोला है, व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस। देखो सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब के पहले, या ऐसे बोल दो कि जिसके ऊपर एक्शन हो रही है, जो एक्शन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब वर्ब के पहले, मतलब क्या बोला है, वेन नाउन और प्रोनाउन, नाउन किंवा प्रोनाउन, ये दोनों अगर हम सब्जेक्ट के थ्रू यूज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be object or accusative case. जैसे subject को अगर noun और pronoun ने subject को denote किया है तो वो कौन सी case होती है, nominative case। वैसे ही अगर noun और pronoun अगर object को denote करते हैं तो वो case कौन सी होती है, objective case या accusative case। Mostly case के ऊपर हम accusative use करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट केस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देखो नोट दी है, क्या नोट क्या दी है वो देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि नोट इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट,
सो नोट देखो क्या लिखी हुई है कि टू फाइंड आउट नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर आपको नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है वर्ब का तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस को हु या व्हाट से क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इन केस वो हमारी कौन सी केस हो गई, नॉमिनेटिव केस हो गई। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, टू फाइंड एक्यूसेटिव पुट whom बिफोर द वर्ब आई दिस सब्जेक्ट। सो अगर एक सेंटेंस है उसको अगर हमको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट निकालना है उसमें से कि ऑब्जेक्ट कौन सा है उस सब्जेक्ट का, सॉरी उस सेंटेंस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, whom डब्ल्यू एच ओ एम whom क्वेश्चन पूछना, whom डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना होगा फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू अ सेंटेंस, और उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्यों कौन सा केस होगा, एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। अगर देखो क्या बोला है, अ नाउन व्हिच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी एक्यूसेटिव केस। मतलब अगर एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आता है, मतलब आफ्टर मीन्स बाद में आना, प्रीपोजिशन के बाद में जो वर्ड आता है या वो नाउन आता है तो वो भी एक्यूसेटिव केस में यूज किया जाता है। उसके बाद देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल है अ बुक इज ऑन डेस्क। जैसे मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल बोला, रामा पुट अ बॉटल ऑन टेबल। तो देखो अ बुक इज ऑन डेस्क अगर एग्जाम्पल है तो नाउन क्या है यहाँ पे, हमारा डेस्क है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक चीज को नाम दिया है तो वो क्या हो गया, हमारे डेस्क नाउन हो गया। इज इन एक्यूसेटिव केस गवर्न बाय द प्रीपोजिशन इन, ठीक है, इन और ऑन, ऑन और इन यहाँ पे क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। तो देखो क्या बोला है कि जो डेस्क पे हमने बुक रखी है वो हमने किस चीज से जोड़ी है, एक्यूसेटिव केस किस वर्ड से जोड़ी है, प्रीपोजिशन वर्ड से जोड़ी है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्यूसेटिव केस हो गया इन फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे दो एक ही एग्जाम्पल है उसके दो फॉर्म में हमने एग्जामिन करना है उनको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने क्या किया, विंडो को तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो अगर हमें इसमें से ऑब्जेक्ट निकालना है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, विंडो होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट निकालना होगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ पे हरी होगा। कैसे होगा, हु ब्रोक द विंडो या हु ब्रेक द विंडो। देखो इधर ही देखा है ना कि नॉमिनेटिव सेंटेंस केस अगर हमको पहचानी हो तो यहाँ पे क्या, एक तो हु लगाना है, एक तो व्हाट लगाना है। तो देखो एक सेंटेंस का अगर हमें इसका क्वेश्चन पूछना हो तो क्या हम पूछेंगे, हु ब्रोक द विंडो, हु डिड ब्रोक द ब्रेक द विंडो। अगर ये हमारा क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, हरी होगा। तो हरी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर एक और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे क्या, अगर हमें एक्यूसेटिव केस पहचानी है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हु ब्रोक द विंडो, किसने विंडो तोड़ी है, या व्हाट डिड हरी ब्रोक, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, विंडो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, इट विल बी सीन दैट नाउन इन इंग्लिश हैज द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूसेटिव। जैसे यहाँ पे देखो दोनों अगर हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज करेंगे, हु ब्रोक द विंडो तो यहाँ पे क्या आएगा, हरी, ठीक है, व्हाट डिड हरी ब्रोक तो क्या आएगा, विंडो आएगा, ठीक है। तो एक ही नाउन अगर एक्यूसेटिव और नॉमिनेटिव केस के लिए यूज किया होगा, मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द नॉमिनेटिव जनरली कम फॉर द वर्ब एंड द एक्यूसेटिव आफ्टर द वर्ब। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है, वैसे ही नॉमिनेटिव केस पहले आता है वर्ब के और एक्यूसेटिव केस बाद में आती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या बोला है, हिंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड और बाय द सेंस। मतलब वो डिफरेंट होते हैं बाय किससे, अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड सेंसेस, जो हमको लगता है उसके सेंसेस से, या अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो उसके बाद देखो अगर हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब देखो पहले हमने कौन सी केस देखी, दो केस देखी हमने अभी तक, कौन सी नॉमिनेटिव केस और एक्यूसेटिव केस। तो अब हम थर्ड और फोर्थ मतलब फिफ्थ फाइव केस होते हैं, तो फाइव केस में से हमने दो केस देखी है, अब थर्ड केस देखेंगे बाय एग्जामिन दिस और बाय
रामा गेव अ बॉल, रामा ने क्या किया, बॉल दिया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, रामा गेव हरी अ बॉल, रामा ने हरी को बॉल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। गेव के बाद में वो बॉल आया है, यहाँ पे भी गेव के बाद में बॉल आया है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन टू whom रामा गेव अ बॉल। मतलब सेकंड सेंटेंस में हमें बोला है कि हरी को रामा ने क्या दिया है, बॉल दिया है। मतलब हरी वो इंसान है जिसको रामा ने बॉल दिया है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता है कि किसको बॉल दिया, रामा ने किसको बॉल दिया, ये आपको पता नहीं है। पर सेकंड सेंटेंस में थर्ड पार्टी हमने यूज की है, थर्ड पार्टी का नाम यूज किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, द नाउन हरी इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो क्या बोला, द नाउन हरी इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब गेव। मतलब जिसको हमने एक ये दिया है, क्या दिया है, बॉल दिया है, उसका अगर नाम आया हो या थर्ड पर्सनैलिटी का नाम आया हो तो वो हमारी कौन सी केस हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की केस होगी। उसके बाद देखो क्या बोला है, द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब देखो फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता ही नहीं था कि बॉल किसको दिया है। अगर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि आई गेव बुक, मैंने बुक दे दी, बट को किसको दी ये आपको पता है क्या, नहीं पता। बट सेकेंडली अगर मैं ये बोलूँ कि आई गेव माई बुक टू माई स्टूडेंट्स या टू वन ऑफ देम पर्सन, तो वहाँ पे पता चलेगा कि किसको हमने बुक दी है। तो अगर वो स्टूडेंट जो है वो हमारा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने वहाँ पे किसी को मेंशन नहीं किया है तो वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम बॉल को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डिनोट कर रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, इट विल बी नोटिस दैट पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रामा गेव हरी अ बॉल। देखो इधर क्या बोला है, इट विल बी नोटिस दैट पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हरी है। यहाँ पे ये वर्ब के एकदम बाजू में, वर्ब के आफ्टर, इमीडिएट आफ्टर ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा, बॉल। बॉल इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, अब हमने कौन सी केस देखी, वो पहले देखी नॉमिनेटिव केस, उसके बाद देखी एक्विसिटिव केस, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के नाम देखे कौन से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब थर्ड पर्सनालिटी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब उनमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया, उसको किसको दिया, क्या दिया, किस लिए यूज किया वो बताया नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे हमारी लास्ट केस पे, कौन सी केस है वो देखेंगे। पहले उसके लिए हमको एक एग्जांपल देखना होगा। देखो इंग्लिश में क्या होता है, जब तक आप एग्जांपल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपने पूरे ओवरऑल लाइफ के एक आधा एग्जाम्पल लेंगे या बुक में से एक आधा एग्जाम्पल लेके समझोगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझेगा। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, दिस इज अ राम्स अम्ब्रेला। मतलब ये किसका अम्ब्रेला है, राम का। तो देखो क्या बोला है, राम का अम्ब्रेला इज इक्वल टू द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। ठीक है, या राम, ठीक है, मतलब राम का वो अम्ब्रेला है, या राम के पास वो अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला सिर्फ राम की ओनरशिप है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, द फॉर्म ऑफ नाउन राम इज चेंज टू रामास, राम टू शो ओनरशिप और पजेशन। मतलब मैंने जैसे आपको अभी बोला कि राम के पास अम्ब्रेला की क्या है, ओनरशिप है, बोला ना अभी एक सेकेंड पहले मैंने यही बोला कि राम के पास इसकी क्या है, अम्ब्रेला की ओनरशिप है। जैसे दिस पेन और दिस हाइलाइटर इज माय ओनरशिप, मतलब मैं ये बोलूँ कि इट्स माय हाइलाइटर, या एक आधा एग्जाम्पल लेंगे दिस कंप्यूटर, इट इज माय कंप्यूटर, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरी ओनरशिप हो गई। तो अगर हम किसी चीज़ की ओनरशिप दिखा रहे हैं या पजेशन दिखा रहे हैं तो उसको कौन सी केस बोलेंगे, पजेसिव केस ऐसा बोलेंगे, और जेनेटिव केस ऐसा बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल देंगे, सॉरी डेफिनेशन देखेंगे, द नाउन रामा इज देयरफॉर सेड टू बी पजेसिव और जेनेटिव केस। देखो मतलब यहाँ पे क्या, एक हमें अगर प्रॉपर डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, द नाउन विच शोज पजेशन और ओनरशिप
ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड एज पजेसिव केस और इट इज सेड टू बी पजेसिव केस। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है। जैसे हमको नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस में बोला गया था कि नॉमिनेटिव केस को हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछना है और एक्यूसेटिव केस को whom से क्वेश्चन पूछना है, तो वैसे ही पजेसिव केस को whose, whose, whose से क्वेश्चन पूछना है। और वो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, पजेसिव केस होगा। ठीक है, तो पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज इंक्लूड पोजेशन और डिनोट पोजेशन, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन और टाइम। मतलब देखो हर बार ऐसे नहीं होता कि ओनरशिप और पोजेशन ही वो पजेसिव केस बताते हैं, कभी कभी क्या होता है ऑथरशिप इन द केस ऑफ ओनरशिप, ओरिजिन मतलब उगम कि उसका कितना ओरिजिन है, और टाइम मतलब उसका ओवरऑल पर्सनालिटी या उसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी और क्वालिटी वो बताता है। एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट इज शेक्सपियर्स प्ले, मतलब शेक्सपियर्स प्ले इज अ पॉजिटिव केस, उसका अगर हमने विग्रह किया, उसको अगर हमने स्प्लिट करके उसका मीनिंग निकाला तो वो क्या होगा, द प्ले रिटन बाय अ शेक्सपियर। और ऐसे जो बुक है जो शेक्सपियर ने लिखी है या शेक्सपियर के जो पोएम्स है ये वो सब शेक्सपियर ने लिखी है उसके बारे में वहाँ पे बताया गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, अ मदर्स लव। ठीक है, हम शॉर्ट में अगर उसको बोलेंगे तो वो अ मदर्स लव होगा, बट अगर हमको उसका विग्रह या उसको एक्सटेंड करके बोलना हो तो वो हम क्या बोलेंगे, द लव फेल्ट बाय अ मदर। क्या लिखा है, द लव फेल्ट बाय अ मदर, जो हमें अपनी माँ से प्यार मिलता है वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गई। उसके बाद थर्ड और लास्ट है कौन सा है, अ वीक्स हॉलीडे, मतलब ऐसा हॉलीडे जो वीक के एंड में आता है। ठीक है, हॉलीडे विच लास्ट अ वीक, जो वीक को खत्म करता है, जैसे कि संडे या सैटरडे संडे वीकेंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वीक्स हॉलीडे। देखो अभी तक फिलहाल हमने क्या क्या, अभी तक जो एक हफ्ता हो गया हमारी, कल वीकेंड टेस्ट भी हो गई, तब तक हमने क्या क्या देखा था, पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखा, सॉरी पहले क्या देखा हमने, पहले वीडियो में सेंटेंस देखे उसके टाइप, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा, पार्ट ऑफ स्पीच देखी, पार्ट ऑफ स्पीच के शॉर्ट शॉर्ट में सभी पार्ट के डेफिनेशन वगैरह देखी, उसके बाद हमने नाउन शुरू किया था। तो नाउन में हमने नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, उसके बाद नाउन इन जेंडर, उसके बाद नाउन इन नंबर्स, और अब हमने क्या देखा, नाउन इन केस, क्या देखा, नाउन इन केस। ये नाउन पर था लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम शुरू करेंगे, एक तो हम क्या शुरू करेंगे, प्रोनाउन शुरू करेंगे या तो एडजेक्टिव शुरू करेंगे। ये बेसिस करता है आपके इस टॉपिक के लिंक से, अगर इस टॉपिक के लिंक से एडजेक्टिव पोस्ट आया हो तो हम एडजेक्टिव शुरू कर लेंगे कल से, नहीं तो प्रोनाउन शुरू कर लेंगे। सो बेसिकली मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं, खुद सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वीडियोज देखने पड़ेंगे, और अगर आपको इन फ्रंट ऑफ मतलब कम्युनिकेट करके अगर पढ़ना हो तो जल्दी से जल्दी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट होगा उस पर आप कॉल कर लीजिए और हमसे बात कर लीजिए और अपनी एडमिशन कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए थैंक यू, हम कल नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे।